नमस्कार सभी को, यूथ रीच ई लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सतीश कुमार है। आज हम दसवीं कक्षा के गणित विषय पर बातचीत करेंगे। हमारा आज का टॉपिक होगा प्रश्नावली 12.1 का चौथा सवाल। चौथा सवाल है, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाएगा। कोई भी कार है, उसके पहिए का व्यास दे रखा है और कार की चाल दे रखी है। हमें ये बताना है कि 10 मिनट में एक पहिया कितने चक्कर लगाएगा। सबसे पहले कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। त्रिज्या व्यास की आधी होती है 80/2=40 सेंटीमीटर। कार की चाल 66 किलोमीटर प्रति घंटा है। हम चाल को मीटर प्रति घंटे में बदलेंगे तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 66 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 66,000 मीटर प्रति घंटा। अब चाल को हम सेंटीमीटर प्रति मिनट में बदलेंगे, क्योंकि जो व्यास है वो सेंटीमीटर में है और उसकी चाल है वो मिनट में है। 66,000 मल्टीप्लाई 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, मल्टीप्लाई 100 से करेंगे और 1 मिनट में 60 सेकंड, 1 घंटे में 60 सेकंड होती है, तो 60 से उसको भाग करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 6 कम 6 और ये 3 0 11,000 को 10 से गुना करेंगे तो 1 0 लगा देंगे, 11,000 और 1 0 लगाएंगे, 110,000 हो जाएगा ये। अब इसकी जो समय दे रखा है 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाएगा, तो कार द्वारा 10 मिनट में तय की गई दूरी बराबर 4 गुना में समय। चाल है 110,000 गुना में 10 मिनट, तो ये हो जाएगा 11,000 सेंटीमीटर। प्रत्येक पहिया की परिधि है, परिधि का फॉर्मूला है 2πr, 2 गुना में 22/7 गुना में 40, इनकी गुना करेंगे 22 44 44 की जब 4 से गुना करेंगे 176 और 0 लगा देंगे, 1760/7 सेंटीमीटर। 1760/7 सेंटीमीटर की दूरी तय करने में प्रत्येक पहिया चक्कर लगाता है, एक चक्कर लगाता है, क्योंकि परिधि है उसकी एक, तो एक चक्कर लगाएगा। 1 सेंटीमीटर की दूरी तय करने में प्रत्येक पहिया चक्कर लगाता है बराबर 1/1760/7। अब इसको जब बटे में गुना करेंगे तो 7 ऊपर हो जाएगा, 1 × 7/1760। 11,000,000 सेंटीमीटर की दूरी तय करने में पहिया चक्कर लगाएगा बराबर 7/1760 × 11,000,000। अब 0 से 0 कट जाएगा, 11 से काटेंगे, 11 कम 11 6 11 66 और 1 2 3 4 0 ऊपर लगाएंगे। अब 16 से काटेंगे तो 16 से काटेंगे तो ये 625 हो जाएगा, 625 की 7 से गुना करेंगे ये 4375 चक्कर। गाड़ी का प्रत्येक पहिया 10 मिनट में 4375 चक्कर लगाएगा। आशा करता हूँ यूथ ई लर्निंग प्रोग्राम में आपको गणित विषय समझने में आसानी हुई होगी। आपसे उम्मीद है इस विषय में आप अपने सवाल जरूर रखें ताकि इस विषय को हम और अच्छे से समझा सके। धन्यवाद।